अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अपनी एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। क्रिकेट से जुड़ी हर ताज़ा तरीन खबर को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि हमने गलतियां की और ख़राब खेल कर हारे। हसन अली के वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। टीम में एक ख़ानदान वाला माहौल है। 5 हफ्तों में कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़ों और इख्तलाफात की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। ऐसी खबरों से टीम का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है और बैरून मुल्क पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी होती है। दोस्तों को ऐसी खबरों से इज्तनाब करना चाहिए। निजी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ के मुताबिक इनका कहना था कि न्यूजीलैंड से शिकस्त के दौरान गलतियां जरूर हुई। टीम के इंतखाबात में मिकी आर्थर, इंजमामुल हक और मैं एक सफ़े पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का माहौल बहुत अच्छा है। यही वजह है कि हमने T20 सीरीज़ में दुनिया की नंबर एक पोजीशन दोबारा हासिल की। सरफराज अहमद ने कहा कि मुसलसल 6 इंटरनेशनल मैच हारने के बाद बड़ी बड़ी टीमें सीरीज़ में वापस नहीं आती। पूरी टीम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो सरफराज अहमद के हवाले से। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।